हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे इस Redmi 6A में फिंगरप्रिंट डिस्प्ले कैसे इनेबल कर सकते हो। तो मेरे पर Redmi 6A है और इसमें मैं आपको फिंगरप्रिंट डिस्प्ले इनेबल करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में यार बने रहना, तो प्लीज़ यार वीडियो पूरी वॉच करना। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका कुछ इंटरफेस कि आपको ये किस तरह देखने को मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करके रखोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। एक और बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ आपका कहीं नहीं खुलेगा, आप सीधे फिंगरप्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें आपको पहले से भाई फिंगरप्रिंट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक बजट डिवाइस है इसलिए इन्होंने फिंगरप्रिंट नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया है, तो आप इस पर क्लिक करके रोकोगे ये आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो सिंपली मैं आपको बता दूँ भाई, ये एक थीम है, ठीक है, उसके ज़रिए ही आपको इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले मिलता है। तो ये थीम कौन सा है, ये थीम के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। तो इस थीम का वीडियो का जो पुराना लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना, वरना मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस थीम के बारे में कुछ, ठीक है। तो इसका लेआउट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो आपको डायलर पैड कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको कॉन्टेक्ट दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्ट आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको नंबर्स कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैमरा कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है, कुछ चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब मैं बता दूँ जो हमारा मेन फीचर है वो जो है इसका लॉक स्क्रीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिस्प्ले का, जैसे आप क्लिक करते हो तो फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जाता है, ठीक है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो इसको नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं थीम में, ठीक है। थीम में जाने के बाद मैं आपको डिफ़ॉल्ट थीम पहले सेटअप करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको, ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ। जैसे अब आप देख सकते हो अब हमारा जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो अप्लाई हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दो चीज़ का लिंक दूंगा, एक होगा थीम का लिंक और एक होगा एक ऐप का थीम, ठीक है। ये थर्ड पार्टी थीम है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये माई थीमर ऐप जो है इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। कुछ इस तरह आपका ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट .mtz थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपने फाइल डाउनलोड किया है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो फाइल कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा MIUI ड्रॉप में होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये MIUI 8 एक्सप्लोरर एडिशन MTZ ये वाला फाइल आपको इस पर क्लिक करके ओके प्रेस कर देना। ये कुछ अनपैकेजिंग होगा, आपको वेट करना है होने तक। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है, उसके बाद ऐप पर ये लिखा हुआ है पैकेज थीम एंड अप्लाई, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम पैकेज जो भी है अपना हो रहा है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ इस तरह होने लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है, ये आपका थीम अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है, कोई एरर नहीं आया हमें। उसके बाद हमें सिंपली होम पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा थीम है वो लग चुका है। उसके बाद मैं सिंपली स्क्रीन लॉक पे दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट लग चुका है। तो आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे आपको लॉक हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा पास से दिखा दूँ तो आप देख पाओगे कि भाई यहाँ पर थोड़ा लाइट भी जलता है इसमें। आप देख सकते हो थोड़ा मस्त अच्छी तरीके से देखने में लगता है। आप देखिए यहाँ पर मैं क्लिक किया तो हमारा फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो गया, ठीक है फ्रेंड। और आप देख सकते हो भाई ये मेरे को फेस अनलॉक से नहीं खुल रहा, देखिए अभी तो मैंने छोड़ रखा है, कोई फेस अनलॉक से नहीं खुल रहा है। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ जब जाके ये ओपन हो रहा है। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि आप कैसे Redmi 6A में फिंगरप्रिंट डिस्प्ले इनेबल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यार इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर होना, इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।